कि बेड़ा गर्क होने वाला जे थोड़ा जा कौम नू अपने नाल जोड़िए और कुछ लभ्या नहीं तो झूठ का एक पुलिंदा तैयार कर लिया। ठीक सर जी सर। मैं समझदा कि सूरी परिवार उस दे नाल नाल शिव सारा टकसाली डट के खड़ी है। जे कहोगे ना कि टकसाली का प्रधान होने के नाते मैं कितने डर के बैठ जावांगा, बिल्कुल नहीं। अज भी मैं अफसर के फोन आए पीसी ना रखो, गवर्नर साहब आ रहे ने, सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध नहीं हो पाएगा। सू कहना चाहना अपने मुंह नू लगाम पाओ, नहीं तो मुंह साडा भी आप बार बार जवाब देने नू तैयार हाँ। सवाल जिन्ने करोगे उहदे जवाब मिलेंगे और जनता समझ रही है। और एक बार जिहड़ी उहनां दी लाइव पई है उहदे थल्ले कमेंट्स भी पढ़ लैन, जिहड़ी जनता नू नाल जोड़न वास्ते ए सारी पीसी कर रहे सी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सी, उह सारी जनता उहनां दे खिलाफ। उह जनता दे उदों ही खिलाफ हो गई जदों उहनां दे बच्चे नशे च डुब गए। अज पंजाब दा की हाल है रखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख मकसद की विक्रम सिंह मजीठिया ने एक बयान दिता है बल्कि पीसी की है और बड़ा कुछ वो बोलिया। पहले भी सूरी परिवार से वो सवाल उठाते रहे ने, मैं कोई जवाब नहीं दिता। पर हूँ मैं समझदा कि विक्रम सिंह मजीठिया जवाब देना बहुत जरूरी है। सब तो पहला उन्होंने कहा कि वोट मंगन मैं घर घर गया। मैं मजीठिया साहब नूं पुछना चाहना, दसोगे कि शिवाला कलोनी, सुंदर नगर, तिलक नगर, मुसलमगंज च किन्ने घर ने ते किते किते घर गए? सिर्फ दो अपने पट्ठे पट्ठे समझदे हो ना, सिर्फ उन्हां दे घरां च जांदे रहे। सानू काफ़ी फोन आंदे रहे कि असीं तुहाडे घर आना चाहते हैं। इवन दैन इन्होंने बोर्ड भी भेजे, झंडे भी लगाते साडे को पुछे बगैर साडी कोठी दे उपर। और खुद विक्रम सिंह मजीठिया कोठी दे बाहर काफ़ी देर खड़े रहे कि साडे वालों घा पाया जाए, असी नहीं पाया। अज की मजबूरी हो गई इन्हां दी कि इन्हां नूं यू टर्न लैना पै रहा। कुछ दिन पहले बयान दे रहे ने कि सूरी परिवार दे नाल मैं सूरी दे विचारां नाल सहमत नहीं सी, पर मैं उन्होंने घर जावांगा, मैं अफसोस जाहिर करांगा। अज यू टर्न लैन वास्ते क्यों मजबूर हो गए? वैसे तो मीडिया परसन हो, तुसी अच्छी तरह जानते होवोगे कि मजीठिया साहब ने जिहड़ा यू टर्न लिया क्यों लिया। पर मैं तुहानूं दसना चाहना और जरूरी भी समझदा कि दोगले लोग जड़े होंदे ने वो अपनी राजनीति करते हैं, सिर्फ राजनीति, समाज नाल, कौम नाल, देश नाल उन्हां दा कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किन्नियां मौतां हो जाणगियां, किन्ने लोग भुखे सोणगे, उहदे नाल कोई मतलब नहीं है। तुसीं समझदे हो जमानत ते रहा ने ते आके पीसी कर रहे ने, क्यों कर रहे ने? कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह दे बारे बयान देंदे ने, फिर अमृतपाल सिंह वालों उन्हां दे खिलाफ बयान दिता जांदा। ओ मजीठिया साहब एना डर का दा क्यों डर गए हो? इन्ना पिछवाड़े च दम होना चाहिए किसे वास्ते कुछ बोलन वास्ते। कमाल की गल है मजीठिया साहब किस तरह यू टर्न लिया, इन्नी जल्दी तो खिजड़े भी घर नहीं बदलते। पहले कहता
कि मैं अफसोस करन जाना है। फिर कहता जी यार देखो इस तरह हो गया उस तरह हो गया इधर उधर दियां गल्लां और मजे दी गल इधर उधर दियां फोटोआं कट्ठियां करके उहदे ते नाम लिख के पत्रकारां नूं विखा दित्तियां। इन्ने नाल एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी आ उह तैयार नहीं हुंदी किसे काम नूं। डर गए मजीठिया साहब बुरी तरह डर गए। वैसे मैं नहीं समझदा सी कि इन्ने कमजोर ने की कहिंदे ने सफाई दे रहे ने। एक तुसीं देखोगे कि वो अमृतपाल सिंह नूं सफाई दे रहे ने कि मैं ते किसे दा नाम नहीं लिया। ए मजीठिया साहब कह रहे ने मैं ते क्या भिंडरा वाला साहब साहब ला रहे ने नाल उन्हां दा नकली। कहते नकली नूं इन्नी तकलीफ क्यों हुई। वो मैं पुछदा मजीठिया साहब तुहानूं कादी तकलीफ हुई वो क्यों परेशान हो इन्ना क्यों डरदे पे हो। ओ यार पार्टी चलांदे हो पार्टी दे नुमाइंदे हो अफसर हो एक अधिकारी हो कमाल इस तरह पार्टियां नहीं चलदियां। अपने घर का एक जी आपां गवा बैठे हाँ अज भी हिम्मत रखते हैं कि अपनी जान दे सकी है। साढ़े घर आने की तुम बड़ी कोशिश करते रहे जो असी घर नहीं वाड़िया तो बयान दे रहे हो कि मैं उन्हें घर वोट ही मंगन नहीं गया। फिर कानू भी मिनट इतने गड्डिया खड़िया करके तो उपर वेखते कां तोते फड़ने से तुसी क्या कबूतर वेख रहे से उपर खड़े। मजीठिया साहब अपना स्टैंडर्ड रखो और स्टैंडर्ड की गल करिया करो गल च वजन होना चाहिए नहीं तो कितने टाइम रख लो आमने सामने बनने। अमृतपाल ने तो कह ही दिता कि नशा वेचन वाले दुकानदारियां बंद चिट्टा वेचन वाले दुकानदारियां बंद और उहदा कट्ठ वेख लिया इन्होंने घबराहट हुई परसीने आ गए मीटिंग की होनी घर बैठ के कि बेड़ा गर्क होने वाला जे थोड़ा जिहा कौम नूं अपने नाल जोड़िए होर कुछ लभ्या नहीं तो झूठ का एक पुलिंदा तैयार कर लिया। मैं समझदा कि सूरी परिवार उस दे नाल नाल शिवसेना टकसाली डट के खड़ी है। जे कहोगे ना कि टकसाली का प्रधान होने के नाते मैं कितने डर के बैठ जावांगा बिल्कुल नहीं। अज भी मैं अफसर के फोन आए पीसी ना रखो गवर्नर साहब आ रहे हैं सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध नहीं हो पाएगा। हंसी आई मैं वो लोड़ की है सिक्योरिटी की सिक्योरिटी ही साडा बंदा मर गया या तो असी मरन नूं तैयार नहीं है तो जे असी तैयार हाँ तो फिर तैयार हाँ चाहे सिक्योरिटी है चाहे नहीं है। तो मैं मजीठिया साहब नूं कहना चाहना अपने मूँह नूं लगाम पाओ नहीं तो मूँह साडा भी आप बार बार जवाब देने नूं तैयार हाँ। सवाल जिन्ने करोगे उहदा जवाब मिलणगे और जनता समझ रही है और एक बारी जिहड़ी उहनां दी लाइव पई है उहदा थल्ले कमेंट्स भी पढ़ लैन जिहड़ी जनता नूं नाल जोड़न वास्ते ए सारी पीसी कर रहे सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सी उह सारी जनता उहनां दे खिलाफ है। उह जनता ते उदों ही खिलाफ हो गई जदों उहनां दे बच्चे नशे च डुब गए। अज पंजाब दा की हाल है ये भगवंत मान ने थोड़ी करता है कि इन्ने चिर च वह गल वक्री है कि इन्होंने संभालिया नहीं भगवंत मान ने पर ये सारे हालात तो पहले ही खराब कर दिते गए। मजीठिया साहब इलैक्शन आने ने तो ऐ ना हो कि इस एरिए दे विच जो आन तो फुलां दी जगह कुछ होर चीज़ की वर्षा होने लग पवे। बड़ा दबदबा जिहा सूरी परिवार का एक याद रखना और मैं आने वाले टाइम दे विच घर घर जा के लोगों नूं अपने नाल जोड़न वाला जे किसी भुलेखे च नहीं रहना तो यू टर्न लैने बंद कर दिओ स्टेट में चलिया करो स्टेट में चल के ही पार्टियां चलदियां। एक
बंदा कतल करता है, विचारां दे मतभेद फैमिली च भी होंदे ने, विचारां दे मतभेद देशां च आपस च भी होंदे ने, उहदा मतलब की है उस बंदे दा कतल कर दिओ। और एड्डी वड्डी पार्टी जिहड़ी राज कर चुकी है पंजाब ते, उहदे वल्लों तुसीं बोलदे पे हो जाके और की बोल रहे हो, थोड़ा विचार करो, थोड़ा जिहा सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप किस बंदे बारे बोल रहे हैं और किदी सपोर्ट कर रहे हैं। एक कातल दी सपोर्ट कर रहे हो जिदा परिवार खुद मान चुके कि आप साढ़े बंदे ने कतल किया, किसी ने कहता दुकाना साड़ियाँ सी इस करके कतल हो गया, किसी ने कहा दुकान दे अगे बैठ गए सी इस करके कतल हो, कतल तो होया और तुसी आके उन्हां दी सपोर्ट च बैठ गए। की तुसी मैसेज देना चाहते हो नौजवानों, की मैसेज जाएगा? अज आतंकवाद का रूप मैं बार बार कहना कि बदल चुके हैं। आतंकवादी पैदा करने वाला कौन है? तुसी लोग ही हो, आतंकवादी पैदा कर रहे हो अपने बयान दे के, किन्ने गलत बयान ने, की मैसेज दे रहे हो अपने नौजवानों नू, की मैसेज दे रहे हो अपने बच्चों नू, की करनगे वो? असीं मैसेज दे रहे हैं उन्होंने कि तुम हथियार चुको, तुम कतल करो तो तुहाडे नाल आ के पार्टियां बैठ जाएंगे। की करवाना चाहते हो पंजाब दे विच? जे सरकार नहीं है, जे आप सरकार नू सुटना है तो कोई होर रस्ता लभो। नौजवानों नू मोहरा बना रहे हो, पॉलिटिक्स तुहाडी खत्म नहीं होनी कि आप सरकार नू सुटिए किसी तरह राष्ट्रपति राज लग जाए। मैं कहना चाहना मजिठिया साहब सावधान हो जाओ, ये कातल किसी दे सके नहीं है, जे इन्हां दी बंदूक दी नाल साडे वल है तो किसी वल भी हो सकती है। इन्हां तों सारयां नूं बचाना है, सिर्फ हिंदुआं नूं नहीं बचाना, सिखां नूं भी बचाना है, असीं तुहाडी भी रक्षा करनी है, अपने पत्रकार भरावां दी भी रक्षा करनी है, इस समाज दी भी रक्षा करनी है। कम से कम आपां नौजवानों नूं गलत मैसेज ना देईए। अज नौजवान जिन्हां दे घरां दे विच बड़ियां प्रॉब्लम ने, किसी की जमीन गिरवी है, किसी के घर दे विच ऑपरेशन ड्यू है, किसी की मैरिज ड्यू है, भैन का विआह नहीं हो रहा पैसे करके, जो तीन भरा ने तो एक भरा जो सोचन लग पे मैं कुरबानी दे दिंदा, मैं किसी नूं हिंदू नूं मार दिंदा, मैनूं पैसा मिल जाएगा। और यह मैसेज कौन दे रहा? पहले अमृतपाल सिंह दे रहा सी, हुण तुसीं दे रहे हो कि ठीक है असी उन्हां दे घरां च जाने आ, तुसीं गए हो, उहदे नाल कई होर कातल तैयार हो गए ने, जिन्हां दी सोच है हो गई कि अज कतल करके वाह वाही मिल रही है। शॉर्टकट अज शॉर्टकट चाहते ने लोग अमीर होने वास्ते, जिहड़े नौजवान ने वह अमीर होने वास्ते शॉर्टकट चाहते ने, और इस शॉर्टकट वास्ते उन्हां नूं यह मैसेज जा रहा है कि उठो हथियार फड़ो मारो असी तुहाडे नाल। ये की है ये मैसेज? मैं तो नहीं दे रहा, ये मैसेज वो लोग दे रहे हैं जिहड़े कातल दी जाके सपोर्ट करते हैं, जिहड़े कातल दे उत्ते फुल्लां दी वर्षा करते हैं, जिहड़े कातल दे परिवार नूं जाके शाबाशी देंदे ने। किसे घर मौत होएगी तो जाके बधाई दोगे? अफसोस करोगे? जो कोई कतल करता है तो उन्हें शाबाशी नहीं दी जाती, उसके परिवार को भी शाबाशी नहीं दी जाती, कोई अच्छा काम नहीं करता उन्हें। आप समाज के विच बुराई ना फैलाइए, बाद च एहो ही बुराई कल तुहाडा राज आ गया तो यह बुराई तुहानू तंग करेगी। जे सरकार बैठी है आपकी, मैं मनना नकम्मी सरकार है, पर उन्हें इन्ना भी नकम्मा ना कर दिए कि गली गली दे विच कतल होने लग पैन, गली गली दे विच गोलियां चलन लग पैन। यार पंजाब दे हाँ आपां, साडे बच्चे ने, इह नौजवान ने, इहनां नूं समझाना पएगा। इह तां कच्ची मिट्टी है, तुसीं घमियार वेख्या होएगा, कच्ची मिट्टी दा घड़ा भी बना दिंदा, जोत भी बना दिंदा, बुगनी भी बना दिंदा।
ऐसे तरह ये जड़े नौजवान ने कच्ची मिट्टी है इन्हां नूं जिद्दर मर्जी ढाल दिओ। मजीठिया साहब ना करो, इन्ना कुर्सी नाल प्यार चंगा नहीं हुंदा, नहीं तो एक कुर्सी कई बार अपनी दुश्मन बन जाती। तुहाडा कोई सवाल है तुसीं कर सकदे हो। एक सूरी साहब उन्होंने नाल दी नाल एक चीज़ पर जोर दिता कि मैं जो भी बोल रहा ये आपसी भाईचारक सांझ नू लैके बहुत जरूरी है। तुसीं समझदे हो कि इस तरीके दे नाल, क्योंकि पहला सिख जथेबंदियां जिहड़ियां ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਤਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਸੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1984 ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਝੇਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਝੇਲਿਆ, ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਹੋ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, 90% ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ? ਸਭ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੇਮ ਉਹ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਨਾ ਜਲਾਓ। ਅੱਗ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਘਬਰਾਈਏ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਸਾੜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਇਆ?
क्योंकि स्कूटर को बैठा विखाता तो उठ के दुकान वाल तो गया ही नहीं, सड़क तो इंज करी जा रहा और ए लिख रहे ने तेल कटदा होया। पर अग लगी कि फिर दुकान ते ये मैं किस तरह कह सकना की पता कोई इंश्योरेंस का चक्कर है या उन्होंने आपे ही लाती हो भीड़ ने लाती हो। एक समर्थक तो सुधीर कुमार सूरी का है नहीं, हजारा समर्थक ने किन्ने की किया या भीड़ ने किस तरह उत्थे किया। एक बंदा जो मर जाता है और वो समर्थक उस वेल संभाले नहीं जाते, ये तो सारा कुछ जांच का विषय हो जाता। मजिठिया साहब बैठ के उन्होंने फैसले सुनाते जज बन गए, ए बंदा गलत है, ए बंदा गलत है, ए बंदा गलत है, वो तो मैजिस्ट्रेट बन गए उसे। क्या उन्होंने 500 IPC का केस नहीं बनता? वैसे लुधियाना का एक पत्रकार है वह भी खिलाफ बोलिया सी, उदे ते असी परचा कराया 5 करोड़ रुपए का, उदे ते मैं मान हानी का दावा भी करने वाला। तो क्या मजिठिया साहब तो नहीं बनता? पहले मेरी गल पूरी हो लिया करो कि डायरेक्ट तुम नाम लगा रहे हो कि ए बंदा ए बंदा ए बंदा, और यह तो उन्होंने बंद वालों है। बिल्कुल विचार करांगे ये जरा सवाल किया करोगे, बिल्कुल विचार किया जाएगा और मान हानि का दावा करके इन्हों अदालत घसीटिया जाएगा। आओ उ आकर जवाब दो बिल्कुल सूरी जी, एक गल का जवाब दो कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मजिठिया की SGPC के दबाव हेठ हुई है कि अमृतपाल के दबाव हेठ हुई है, तुहाडा की कहना है? दुबारा मजिठिया साहब घबराए पे ने जदों अमृतपाल सिंह के खिलाफ बयान दिता, तो इन्नी घबराहट कदी हो गई कि यू टर्न लैन की जरूरत पै गई। क्यों साढ़े चेयरमैन साहब आए ने, मैं उन्होंने बुला लवा एक मिनट, बाकी जवाब मैं दे देना भी इन्नी जरूरत कदी हो गई कि तुम लै लिया। ये एक तरह का डर, एक तरह का दबाव अमृतपाल सिंह वालों, और सब तो वड्डी गल कि जेड़ा उन्हें एक कट किया उस कट नूं वेखदिआं होइआं ये बयान देने नूं मजबूर हो गए मजिठिया साहब। यू टर्न बड़ा वधिया मारदे हो मजिठिया साहब, मैं ताड़ी मारता तुहाडे ते। तुहाडे वर्गा दोगला, तुहाडे वर्गा बयान बदलू फिरकी फिरकी मजा आ गया। पर उन्होंने तो कल भी अमृतपाल के खिलाफ बोले हैं। अमृतपाल के खिलाफ बोलना उन्हों की मजबूरी है, जे अमृतपाल के खिलाफ नहीं बोलनगे तो उन्होंने बड़ा कुछ इन्होंने को लै जाना, वो तो मजबूरी है उन्होंने। और एक दबाव चलता है कि आप हल्का फुल्का बोलीए, आप ज्यादा बोलीए ना, जे इन्ना ही नहीं डरते तो कल सफाई क्यों दे रहे थे कि मैं तो किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो कुछ नहीं कह, मैं तो डुप्लीकेट कह रहा। सफाइया देने की लोड़ उन्होंने पड़ती है जिसे पिछवाड़े च दम नहीं होता, जे दम है तो डट के खलोना सीखना पड़ेगा। कुछ कहना चाहोगे तुसी जी विक्रमजीत सिंह मजिठिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैके सुधीर सूरी के बेटे होने के नाते, जी इतना चेयरमैन होने नाते? सुधीर कुमार सूरी का बेटे होने के नाते मैं जरूर यह कहांगा कि मजिठिया साहब यह प्रटेंड कर रहे हैं, उन्हें पहली बारी मर्डर किया, मतलब लोगों को उत्साह कर रहे हैं कि तुम मर्डर करो, पिछे असी अकाली सरकार सपोर्ट कर रही है। असी यह कहना चाहते हाँ अकाली सरकार जो गलत काम होएगा असी उसकी सपोर्ट करांगे। मजिठिया साहब केड़े केड़े केसा अंदर ने सबनू पता है, असी भी नहीं कुछ यहोजा चाहते कि कुछ उन्होंने बारे कुछ गलत बोलीए, बट उन्होंने इन्ना चाहिए कि परिवार के नाल जे आके खड़े नहीं हो सकते तो अपना यह चीज़ों बारे बोलना भी बंद करें। देखो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों कहता कि पहला कतल है, मतलब यह हो गया कि जोड़ा पहला कतल करे उन्होंने माफ कर दो। सहमत हो मेरे न कि पहला कतल करे उन्होंने कुछ ना कहो? वह मजिठिया साहब कसूर तो कसूर है, वह कसूर चाहे अज किया जाए या वह कसूर चाहे 10 कसूर तो बाद कसूर किया जाए। जिहड़ा संविधान लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वह तो किसी इजाजत नहीं दिंदा ना कानून तोड़न की। वो तो बड़े मजाकिया शब्द के बड़ा खुशी खुशी कहता कि उन्होंने परिवार की कोई ऐसी हिस्टरी नहीं है, क्लीन चिट देने की कोशिश।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਮਨਸੂਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੰਦ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੈਲਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਲਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਘੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਘੁਲੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੀ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੇਲੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨੇ? ਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਂਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, 7-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਈ ਜਾਓ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 7 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾ ਦਿਓ ਪਰਚੇ। ਕਿੰਨਾ 'ਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 100% ਡਰਾਮਾ। ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ, ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਛੀਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਛੀਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਸੂਰੀ।